हेलो सारा, आफ्टर स्कूल 5 इयर्स वी आर स्कूल के बाद आप मिल रहे हैं। आई गेस दिस इज अ मेन कैंपस। तो अभी कैंपस टूर कर रहे हैं सना इकबाल के साथ जामिया। दिस इज आवर सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी, तो ये है जामिया का सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ हर जर्रा है। तो जामिया के बगल में एक बड़ा स्टेडियम है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड लीगल स्टडीज। सेंटेनरी गेट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, इट रिप्रेजेंट्स द 100 इयर्स ऑफ जामिया एंड दिस इज वन ऑफ द आवर फेवरेट प्लेस टू सिट एंड एंजॉय विद आवर फ्रेंड्स। माई डिपार्टमेंट ये वाला सोशल वर्क, दिस इज पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट। ठीक हो? यस। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? तो और एक नए व्लॉग में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज घूमते घूमते मैं पहुंच गया जामिया। तो जामिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो अभी मैं मिलने जा रहा हूं अपने कश्मीर का एक फ्रेंड है, बैचमेट सना इकबाल। तो सना इकबाल से मिलने जा रहा हूँ, तो साथ ही साथ आपको जामिया कैंपस का भी टूर कराऊँगा। तो अभी सना इकबाल ने मुझे यहाँ पे बुलाया है गेट नंबर 8 पे, तो मैं उसी का ही वेट कर रहा हूँ। तो मौसम की बात करें तो आप जो देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, दिल्ली का मौसम पॉल्यूशन ही है। तो ये मैं पहुँच गया गेट नंबर 8 पे, गेट नंबर 8 तो ये कहीं होना चाहिए था सना को। कहाँ पे? तो ये हमारे सना इकबाल पहले पहुँच गए कैंपस। हेलो सना, कैसे हो? बढ़िया। हम पहुँच गए जामिया। तो ये रहा सना इकबाल, जामिया से मास्टर्स कर रही है। तो आज सना इकबाल अपने कैंपस के टूर कराएगी जामिया। चले सना, तो हमें कहाँ से शुरू करें? गेट नंबर 7 एंड दिस इज़ द मेन कैंपस ऑफ जामिया। एक्चुअली जामिया का जो कैंपस है दैट्स वेरी ह्यूज, बट गेट नंबर 7 इज़ अ सेंट्रल गेट। सो दिस इज जामिया, माई डिपार्टमेंट। अच्छा, ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। ठीक। एंड दिस वॉज माई डिपार्टमेंट इन माई ग्रेजुएशन, ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। और ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, गुलिस्तान गालिब। एंड यहाँ पे स्टैचू भी बना है, दिस इज गुलिस्तान गालिब, मींस द गार्डन ऑफ गालिब। गार्डन ऑफ गालिब, दिस इज द गार्डन ऑफ गालिब वी कॉल इट। तो सना इकबाल से मिल रहे 5 साल बाद। यस, आफ्टर 5 इयर्स वी आर स्कूल के बाद आप मिल रहे हैं। छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए। तो अभी कैंपस टूर कर रहे हैं सना इकबाल के साथ जामिया। हाँ, ये में हर जर्रा है सरशारे तमन्ना मुझसे, किसका दिल हो कि दो आलम से लगाया है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड लीगल स्टडीज। And this is one of the our favorite place to sit and enjoy with our friends. Canteen area. This is central canteen. There are very 15-16 canteens all over in Jamia. A lot of canteens are there, but this is the central one. That's why this is called a central canteen. Kaisa milta khana yahan pe? Acha milta hai. Bahut sari dishes milti hai. Like fast food and everything is available here. This is central canteen. Actually, that is Arshi, that is the photocopy wala shop. These are something like which counter? Central canteen, non-veg counter. Sahi hai. So, Jamia ke bagal mein ek bada stadium hai. Kaun sa stadium, Sana? Iska naam Patodi hai. Kya? Patodi. Patodi? Saif Ali Khan. Achha. तो इस स्टेडियम का नाम है नवाब मंसूर अली खान पटोड़ी। ओके, दिस इज द फिजिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें जूम वगैरह करना होगा, कैसे करते हैं? नहीं होता इसमें, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर थोड़ा क्लोज जाकर। अच्छा,
दिस इज पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे भी एक कैंटीन है, जामिया दस्तरखान, जामिया वुमेन इनिशिएटिव. अच्छा अच्छा बढ़िया है. ये कुत्ता बैठा है हमारे इस्तकबाल के लिए. सर झुका के लिए औरत ही चला रही है इसको, इस कैंटीन को. ना अभी भूख नहीं है. कहाँ बिरयानी मिल रहा है? हम बिरयानी तो इस साइड कौन सा डिपार्टमेंट है? इस साइड दिस इज आवर सेंट्रल लाइब्रेरी. सेंट्रल लाइब्रेरी तो ये है जामिया का सेंट्रल लाइब्रेरी. इस लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी. आज बंद है संडे? आज बंद नहीं होता संडे के दिन. तो ये हम घूम फिर के फिर वापस यहीं पर पहुँच गए. कैंपस तो बहुत बड़ा है, पूरा कैंपस घूमेगा तो बहुत टाइम लगेगा. यहाँ शाम हो जाएगा यार, अभी भूख भी लग रहा है, तो कहीं चलते खाना खाने. जामिया गेट नंबर 7 में ये मेन सेंट्रल लाइब्रेरी, गालिब साहब. तो चले सना कहीं खाना खाने. चलो तो ये हम घूम लिया जामिया कैंपस. तो अब हम जा रहे हैं लंच करने. कहाँ चले सना लंच करने? हाँ आपको पता होगा, आप तो यही गए हो या 5 साल हो गए आपको? तो सेंटेनरी गेट ऑफ जामिया मिलिया इस्लाम है. इट रिप्रेजेंट द 100 ईयर्स ऑफ जामिया एंड इसका इनॉग्रेशन अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था. सो दिस इज क्वाइट न्यू फॉर जामिया एंड अ वंडरफुल थिंग. डीएलएफ मॉल. तो ये अभी हम पहुंच गए डीएलएफ मॉल. ये मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था. सही है दुकान के लिए. इसकी प्राइस है 599. मैं ढूंढ रहा हूँ बाइक का जो गैस होता है सूट, वो ढूंढ रहा हूँ. तो हम आ चुके हैं डीएलएफ मॉल. तो जैसा कि हामिद हमसे मिले इतने साल बाद, तो मैं हामिद से पूछना चाहूँगी आपको कैसा लगा मुझसे मिलके? मिलके बहुत अच्छा लगा. आफ्टर लॉन्ग टाइम
स्कूल के बाद अब मिल रहे हैं, तो स्कूल की यादें मतलब ताज़ा कर, वो लम्हे बहुत अच्छा लगा मिलके, रिफ्रेश हुआ। आप भी कुछ कहो, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा। हामिद के बारे में ये कहना चाहोगे कि हामिद से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इज़ अ वेरी डियरेस्ट फ्रेंड एंड इज़ वन ऑफ द पीपल ऑफ जे एन वी, जिसके साथ आई वुड ऑलवेज लव टू बी इन कॉन्टैक्ट एंड इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। सो से बाय टू योर व्यूअर्स। नहीं, अभी तो घूम रहे हैं हम यहाँ डेलेट मॉल में। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, मॉल भी घूम लिया, डायरेक्ट मॉल, बहुत मज़ा आया। तो अब हम चलते हैं वापस मेट्रो की ओर। और सना इकबाल, ठीक हो? यस। बढ़िया। या। बोर तो नहीं हुए? नो, इट वाज अ गुड डिग। ठीक। न्यू ईयर कल, इसलिए लोग शॉपिंग के लिए आए हुए, तो बहुत भीड़ था, क्यों सना? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू ईयर वाला रश है। सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबको जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो चले, बाय सना। अब जा रहे हैं जामिया, मैं जा रहा हूँ जीडीपी नगर, बाय। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिल के सना इकबाल बैचमेट। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर ब्लॉग पसंद आए ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कल एक और नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।